नमस्कार दोस्तों, इन्फिलेस्टिव बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है महेश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एक्शन स्टार महेश बाबू की आने वाली फिल्म सरकारू वारी पाता से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। तो दोस्तों पहले इस बात पर खुलासा हुआ था कि फिल्म के अंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपर अभिनेत्री कृति सुरेश नजर आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, कृति सुरेश और महेश बाबू की जोड़ी फिल्म के अंदर नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों अब इस बात पर खुलासा फिर से हुआ है कि फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आने वाली फिल्म टाइगर 3, यानी कि दोस्तों टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, अब तक दो पार्ट आ चुका है, तो इसी कड़ी में तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों फिल्म से जुड़ी कुछ खास खबरें सामने आई है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वैसे में टाइगर 3 के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक बार फिर से बड़े पैमाने पर डांस रोमांस के साथ साथ सलमान खान थ्रिलर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से हमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात की जाए फिल्म के बजट के बारे में, तो आपको बता दें फिल्म 300 करोड़ के बजट में बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि टाइगर 3 जो मूवी आने वाली है इंटरनेशनल लेवल की बनेगी और जिसका बजट 300 करोड़ होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। हालांकि दोस्तों फिल्म के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट की भूमिका में सलमान खान नजर आएंगे। सलमान के अपोजिट लीड रोल में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी नजर आने वाली हैं। तो वैसे भी दोस्तों फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की प्लानिंग की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। जैसे दोस्तों ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फाइनली अभी जो रिलीज डेट इसकी रखी गई है वो क्या है। दोस्तों आपको बता दें साल 2021 में 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने की रिलीज डेट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट शाहरुख खान की आने वाली एक और नई फिल्म के बारे में। तो फिल्म का नाम क्या है, तो आपको बता दें फिल्म का टाइटल है, फिल्म का नाम है पठान। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम होने वाला है पठान। और दोस्तों फिल्म की स्टोरी क्या है अभी तो इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से फिल्म का टाइटल है पठान, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बारे में खुलासा अभी तक नहीं किया गया कि फिल्म की शूटिंग कब शुरू की जाएगी। और दोस्तों अंदाजा है कि फिल्म साल 2021 में रिलीज की जाएगी।